करने जा रहे हैं कि हमको बिना शर्त मिलना चाहिए। आज निर्णय हुआ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग विद्वान बड़े अधिवक्ता को बुलाएंगे जो बिहार शिक्षक एकता मंच का केस को लड़ेंगे, इसलिए आज जो निर्णय हुआ है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहे। उससे पहले आपको बता दें कि आज सभी संघ का सर्वदलीय बैठक पटना में था, जो कि बैठक संपन्न हो गया है। कुछ व्यस्तता के कारण मैं ससमय अपडेट दे नहीं पाया, लेकिन आपको बता दें कि सभी संघ का सर्वदलीय बैठक समाप्त हो गया है। आइए देख लेते हैं बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिया गया है शिक्षकों के लिए। आइए जान लेते हैं प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह तथा प्रदीप कुमार पप्पू यादव के द्वारा लाइव अपडेट। पटना में बिहार शिक्षक एकता मंच का अति महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुआ है। 13 मार्च को माननीय हाईकोर्ट पटना में हम लोगों के लिए निर्णायक संघर्ष होने जा रहा है। नियोजित शिक्षक को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, इस पर हम लोग हाईकोर्ट में अपील करने जा रहे हैं कि हमको बिना शर्त मिलना चाहिए। आज निर्णय हुआ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग विद्वान बड़े अधिवक्ता को बुलाएंगे जो बिहार शिक्षक एकता मंच का केस को लड़ेंगे, इसलिए आज जो निर्णय हुआ है उसके आलोक में हम लोग ने एक सब मिल करके, सब संगठन के अध्यक्ष ने मिल करके मात्र एक अकाउंट जारी किया है, जिस पर बिहार के सभी शिक्षक अपना आर्थिक सहयोग 24 घंटा में भेजेंगे, क्योंकि लाखों लाख का खर्च सुप्रीम कोर्ट से माननीय अधिवक्ता को बुलाने में होगा। संयोजक महोदय, आप संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। आज बिहार शिक्षक एकता मंच की जो बैठक हुई उसमें सर्वसम्मति से निर्णय ली गई कि बिहार के शिक्षकों की जो उच्च न्यायालय पटना में याचिकाएं चल रही है, जिनकी सुनवाई 13 मार्च को है, उसमें शिक्षकों का पक्ष रखने हेतु सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता को लाई जाए और शिक्षकों की पक्ष को रखी जाए। इस हेतु बिहार शिक्षक एकता मंच एक खाता जारी कर रही है, जिसमें शिक्षकों से अपील है, संघीय पदाधिकारियों से अपील है, शिक्षक एकता मंच में विश्वास रखने वाले शिक्षक भाई बहनों से अपील है कि सारे लोग अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए और न्यायिक लड़ाई को मजबूत करने के लिए शिक्षक एकता मंच द्वारा जारी खाता में अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग दे, और वह भी तुरंत उसमें दे, ताकि 13 की सुनवाई में किसी प्रकार की व्यवधान नहीं हो। और वह खाता जो है बिहार शिक्षक एकता मंच के कोषाध्यक्ष अनवार करीम जी के द्वारा जारी की जा रही है, उनकी खाता है, उसमें आप तमाम लोग पैसा सहयोग राशि के रूप में देने का काम करें। ये जो है ना बिहार शिक्षक एकता मंच का कोषाध्यक्ष है आदरणीय अनवार करीम जी, सर्वसम्मति से उन्हीं का खाता जारी करने का निर्णय लिया गया है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार शिक्षक एकता मंच के, विभिन्न घटक द्वारा जो विभिन्न केस किया गया है, तय हुआ है कि 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से एक वरिष्ठ अधिवक्ता को लाया जाए जो सर्विस मैटर के बड़े अधिवक्ता हो, और हम लोग सबको मिल करके उसका खर्च बियर करेंगे। अभी एक अकाउंट जारी हो रहा है अनवार करीम साहब का, आप सबों से आग्रह है कि उसमें अपना सहयोग राशि डालें, और पूरी आशा रखें कि निश्चित रूप से सारे शिक्षक आप लोग की दुआएं काम आएंगी और 13 तारीख को हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जितने भी बिहार में 3800 जिला में सपोर्टर हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, संघ के साथी हैं, आम शिक्षक भाई बहन हैं, आनंद कौशल हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, निर्णायक लड़ाई है, इसमें अधिक से अधिक तन मन धन से साथ दीजिए, मतलब आर्थिक सहयोग 24 घंटा में करिए। अनवार साहब पाई पाई का हिसाब देंगे, इसका कमिटमेंट हम करते हैं। आज के डेट से इनके खाते में कितना बैलेंस है? 6000 बैलेंस है आज के डेट में इनके खाते में। आज के बाद जितना भी अभी से पैसा आएगा उसका पाई पाई हिसाब दिलवाना का जवाबदेही भी आनंद कौशल लेता है। धन्यवाद। रहे थे कि सभी संघ का सर्वदलीय बैठक समाप्त हो गया है, और बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी संघ के द्वारा एक अकाउंट नंबर जारी किया गया है, और 13 तारीख का जो हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाला है उसमें सहयोग राशि देने के लिए सभी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा अपील किया गया है, और बताया गया है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट से वकील, बड़े वकील को बुलाया जाएगा, स्पेशल जो सर्विस मैटर देखते हैं, और निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों को उसमें जीत मिलेगी, तो ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने की अपील की गई है, ताकि 13 तारीख को निर्णायक फैसला आ सके और शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिल सके। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरह के शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।